इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर हम मैसेजेस की सर्विसेज को कैसे बंद कर सकते हैं या MMS की सर्विसेज को कैसे बंद कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में अपने मोबाइल के थ्रू। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना होगा। ये रेडमी के अंदर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो रेडमी का फ़ोन है तो आप बिल्कुल ईजिली ये प्रोसेस कर पाएंगे। परमिशंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको परमिशंस में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद चौथे नंबर पर, तो इसे खोल लेना, और उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर अदर परमिशंस पर जाना है फिर आपको, तो इसे भी खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स परमिशंस दिखाई देंगे, बट आपको यहाँ पर साइड में जाना है, और साइड में जाने के बाद सबसे ऊपर ही आपको SMS एंड MMS की जो सर्विसेज परमिशंस रहती हैं वो मिल जाती हैं, तो इसे आपको खोल लेना होगा। और फिर खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस SMS की मिल जाती हैं, तो इसको भी खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर ही फ्लिपकार्ट मिल जाता है। तो जैसे ही हम इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर डिने करते हैं तो ये बंद हो जाती है, और जैसे इसे अपसेट करते हैं तो ये चालू हो जाती है। तो ये इसको बंद चालू करने का प्रोसेस है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।